खड़ा करके मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरी एक पे गिर रही है, मेरी एक कमर्शियल पे गिर रही है। अभी हम आते हैं, कभी भी आ जाएंगे, एट कम से कम 8 से 10 दिन तो कम से कम दिए जाते हैं, इससे कम तो दिए ही जाते हैं। ये आपने वीडियो में देखा कि जो सर्विस सेंटर के सबसे सीनियर पर्सन है उनका बोलने का तरीका है, हमें बहुत पुअर गाइडेंस दी जा रही है सुजुकी के द्वारा। 900 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी के इंजेक्टर्स ख़राब हो गए, 3000 किलोमीटर पे इंजन फट गया है, बट कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। ये सारी ईमेल्स मैंने अटैच कर दी हैं, बाकी वीडियो में बने रहिए, आके देखिए क्या कंडीशन हो रही है हमारे साथ। सामने खड़ी हुई है ब्रेजा विनीत भाई की, जिसमें सारी समस्या आ रही है, जिसके चक्कर में हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है, वीडियो शूट करनी पड़ रही है। पहली चीज़ तो यही है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी एम्प्लॉय ये ही नहीं चेक कर रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये अपनी गाड़ी देखने आए हैं, इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं, कुछ भी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये पीछे गाड़ी का इंजन रखा हुआ है, गाड़ी का इंजन हमने पहली बार देखा है कि गाड़ी की बैक सीट पर रखा हुआ है। 900 किलोमीटर चलने पर गाड़ी ने वाइट स्मोक देना शुरू कर दिया था, 3000 किलोमीटर पर इसका इंजन फट गया, इसके इंजेक्टर भी हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है गाड़ी में, ये देखिए इंजन इसका रिमूव्ड है, अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। 3000 चली गाड़ी में इस तरह से इंजन बिल्कुल निकाल लिया जाए, ना ही हमें कोई लोनर कार दी जा रही है। 13 तारीख को हमने गाड़ी दी थी, 13 तारीख को इसके इंजन में फॉल्ट आया था, सारा ऑयल निकल गया एकदम से चलाती हुई, तो अब उन्होंने बोला 10 डेज में हम गाड़ी दे देंगे। अच्छा, फिर हमारे बाद दो बार आई जैसे चेक करने गाड़ी, तो कुछ काम नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने बोला सर हम आज नहीं 4 दिन बाद तक गाड़ी दे देंगे आपको। ठीक है, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसे ही बोलते रहे, हमने कहा दूसरी गाड़ी परचेज करा तो हमें काम नहीं चल रहा है, ऐसे घर में भी ऐसे दिक्कत वगैरह रहती है, जब फुल पेमेंट करके गाड़ी ली हुई है तो ऐसे प्रॉब्लम तो होती है ना, तो इस वजह से अब ऐसे ही धीरे धीरे चल के 1 महीना पूरा होने वाला है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, 2-3 बार मैनेजर से बात की है, कोई नहीं हो रहा, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रेस्पॉन्स ये लोग देते नहीं है। मेल वगैरह भी डाली थी तो इन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह करके मेल वगैरह डिलीट करा दी थी, क्योंकि सर हम कराते हैं, फिर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ये विनीत भाई कि ऐसे आप कब तक डिपेंड रहेंगे सुजुकी वालों पे? नहीं नहीं, वो लास्ट गाड़ी है, हम सोच रहे हैं इसको भी इनको दे दें, इसको भी इनको दे दें, तो मेरा मानना तो है यार, अगर ये मेरी पर्सनल कार होती तो मैं अपनी गाड़ी का इंजन नहीं खुलवाता, इतनी नई गाड़ी का देखो जो बात है, एयर बैग वगैरह सब कुछ खुले पड़े हैं, आप चेक कर लो, तो देखते हैं अंदर से। देखिए गाड़ी में दिखाता हूँ आपको अंदर से, अंदर से जो कंडीशन है गाड़ी का, हॉर्न पैड वगैरह सब खुला हुआ है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। 900 किलोमीटर पे गाड़ी में दिक्कत आई और अभी 3000 किलोमीटर पे गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बिल्कुल ट्रस्टवर्थी तो रहा ही नहीं है व्हीकल। और सुजुकी भी ये देखिए चाबी रखी हुई है इसकी अनइवन, ऐसे ही, ना ही कोई यहाँ देखने वाला है, ना ही कोई कुछ सुनने वाला है, मैनेजर से बात करते हैं वो उल्टा सीधा टाइम हमें बता देते हैं, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ये इस तरह से गाड़ी में पहले दिन से रखे हुए हैं, आज करीब 25 दिन हो गए हैं गाड़ी को दिए हुए, सो हमें ये इस तरह से वीडियो शूट करनी पड़ रही है। गाड़ी का इंजन पीछे रखा हुआ है बैक सीट पे, इंजन का ब्लो, कैटली कन्वर्टर सब कुछ खुल गया है, नई गाड़ी का, नया व्हीकल ऐसे खुल जाए तो बिल्कुल मन हट जाता है, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कभी भी, इवन 1 लाख की रनिंग के बाद भी ये कंडीशन तो एक्सपेक्टेड नहीं होती। मैं भी कार यूज़ कर रहा हूँ मारुति की सियाज, बट ये कभी नहीं हुआ। तो भाइयों तुम लोगों का क्या कहना है, तुम्हारी गाड़ी में अगर ऐसा हो जाता तो तुम लोग फिर उसको कैसे क्या करते भाई? भेज देते तो आप सुजुकी से क्लेम नहीं करते गाड़ी के, सुजुकी वाले आपको नई गाड़ी दें? हाँ, और ऐसे ही होना चाहिए, और बल्कि इन्होंने तो कोई हमें तो व्हीकल भी प्रोवाइड नहीं करा रखा, दूसरा इसकी जगह कराना चाहिए, जब गाड़ी खड़ी है 14 तारीख से यहाँ, कोई व्हीकल नहीं प्रोवाइड हो रखा, ऐसे कर रहे हैं व्हीकल के लिए, कल कराएंगे परसों कराएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो चलो जी अंदर बात करते हैं जाके। चलो चलो, क्या बता रहे हैं जी? ये तो वो साइड का जो पैनल तो ये यहाँ के मैनेजर हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं, ये ऐसे ही निकल गए अंदर सीधे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब हम अंदर जाके देखते हैं क्या है, कैसे क्या बात करते हैं, इनका क्या रिस्पॉन्स है। ना तो कोई अटेंडेंट है, ना कोई एसोसिएट हमें असिस्ट करने के लिए, इवन जनरल मैनेजर का एटीट्यूड भी आपने देख ही लिया है, शायद उनको कोई मतलब नहीं है कस्टमर से आए जाए क्या, जो भी है देखते हैं क्या होता। इनकी कार का, नई कार का इंजन फट गया है, इसके लिए इन्हें कोई परवाह नहीं है, तो इसीलिए भी हमें यूट्यूब पे पूरा डालना पड़ रहा है क्योंकि कोई हेल्प नहीं हो पा रही। सर क्या हुआ है गाड़ी में?
14 तारीख से खड़ी है इंजन वाली। इंजन का इंजन अभी आपको चल रहा है, 14 तारीख से खड़ी है, एक महीना पूरा कंप्लीट होने वाला है, 4 तारीख हो गई है, 10 दिन बोल के रखा था हमने तो गाड़ी, 8 दिन बोला था हमने, जब भी बोलने लगे ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे चलो कोई नहीं 10 दिन में दे देना, फिर 4 दिन और बढ़ गए, फिर ऐसे क्या था दूसरा व्हीकल भी नहीं दिया गया हमें। कंडीशन बड़ी वर्स्ट क्रिएट हो गई है, तो क्योंकि आपका केस भी तो ऐसा है ना, ये मतलब इंजन फटने वाला और नई गाड़ी का, एक्चुअली में वो हमारे एंड से भी सेटल नहीं होगा, वो मारुति उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप ओनर को क्या बताओगे इस चीज़ के लिए, हमने नई गाड़ी ली है सामने, सेकंड हैंड तो कुछ ली नहीं है, तो ओनर को क्या बताओगे, ओनर को क्या बताएंगे, वो तो मालूम से डिस्कशन करके बात करेंगे अभी क्या करना है, आपका केस तो चलिए आपको नंबर तो है, एक बात तो बताओ आप जब भी हम आते हैं कभी भी आ जाएंगे, 8 से 10 दिन तो कम से कम दिए जाते हैं, इससे कम तो दिए ही जाते हैं, देखो आज तो है संडे, कल आपका मोस्ट है कि कल शाम तक आपका केस को फाइनल डिसीजन करेंगे जो भी होगा, पिछले मंडे भी ऐसे ही था, पिछले मंडे तक तो इसकी कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग थी उन्होंने मंगाई थी मारुति से, तो आज संडे है, कल आपका अभिनंदन धामे आपको पता ही है जो केस लगे हुए हैं मारुति की तरफ से, उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, कल इस पर ना जो भी फाइनल डिसीजन है मतलब यस और नो वाला वो कर लेता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो भी था इस पर सब कुछ हो चुका है, हमारी तरफ से जो भी उन्होंने मांगी थी डिटेल वो हम दे चुके हैं, ठीक है, अभी हमारे एंड से कुछ पेंडिंग नहीं है, अभी जो भी पेंडिंग है मारुति एंड से पेंडिंग है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि मतलब मकसद ये नहीं है कि आपको इंजन ठीक नहीं हो सकता, मतलब ये मारुति दे नहीं सकती, उनको प्रॉब्लम ये समझने में एक्चुअल में एक एविडेंस के तौर पर वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, इस ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि ऐसा केस हुआ क्यों, तो चलो हमने मान लिया आप बोल रहे हैं मारुति इस चीज़ पे सर्च कर रही है कि हुआ क्यों, ये ऐसा हुआ, ये तो कर रहे हैं, बात ये नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, सर्च करो एक साल के लिए आप रखो गाड़ी, हमें दूसरी तो प्रूव कराओ, हम क्या चलाएं बताओ, पेमेंट तो कर रखा है ना हमने, गाड़ी तो ठीक होनी है, बट ये भी तो कंफ्यूजन ही है ना, अभी तो यही नहीं कंफ्यूज, यही नहीं डन हो रहा तुम्हारा, 10 दिन में दोगे, 5 दिन में दोगे, 1 महीना कंप्लीट हो गया ऐसे ऐसे, अब तुम जाके और 5 दिन बाद बोलोगे और 10 दिन लगेंगे, फिर क्या करेंगे, कल आपका कॉन्फ्रेंस कॉल करके फाइनल डिसीजन करा देंगे, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, कल अभिमन्यु जी को, अगर अभिमन्यु जी से नहीं सेटल होगा तो वही छोटी जी को बैंक पर एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे, ठीक है, और कल ही सेटल कर लेंगे, तब तो हमने मेल डाल दी थी, तब तो आप सब लोगों ने बोल दी है, वो मेल नेशनल लेवल तक चल रही है, तो तभी तो बोल रहे हैं, तब तो बोलेंगे आप सभी सारी से हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, तो हमने चलो कर ली, मैंने जो भी है वो हटी नहीं है, वो जो आपका केस है वो मारुति के जो नेशनल सेवल पर आपकी मेल गई है वो बहुत टॉप लेवल तक गई है, मतलब टॉप ऑफ द लेवल तक, जो पूरा ऑल इंडिया लेवल पर, सर अगर वो टॉप लेवल तक जाती ना, अगर ऐसा कुछ होता तब तक तो गाड़ी मिल जाती है ना, नहीं नहीं वो केस चल रहा है, ऐसा नहीं है गाड़ी मिल जाती है, कल अगर आप जो भी है डन होता है कुछ भी होता है जो भी हो फाइनल कर दीजिए, मान लो आप 1 महीना और लग रहा है, खड़ा करके मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरी एक पे गिर रही है, मेरी एक कमर्शियल पे गिर रही है, आपको पता है ना कोई अपनी जगह पर गाड़ी खड़ी करने को देते नहीं, हमने भी गाड़ी करनी काम करने के लिए जगह रही है, तो ये गाड़ी खड़ी करके मुझे भी तो कोई प्रॉफिट होने का, मुझे भी सिवाय लॉस ही हो रहा है कि इसकी जिम्मेदारी रखनी पड़ी है, इसकी जिम्मेदारी देनी आपको जाओ, दरअसल लास्ट वीक भी जिस पॉइंट पे वहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, उस लास्ट वीक भी उसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, वो ये एक्चुअली में मैं हमारे को आपने भेजा, हमने अभिनंदन जी को भेजा, सर यही चीज़ें हमको अब से 10 से 15 दिन पहले बताई गई, सेम वो बिल्कुल बताई गई, मैं नहीं कह रहा कि नहीं बताई गई, बट उसको सर अगर इसमें 1 साल लग जाता है प्रोसेस में तो 1 साल तक गाड़ी ऐसी खड़ी रहेगी हमारी, 1 साल क्या लगेगा, कंडीशन तो हमें में तो 1 महीना लगना है ना, देखो इस डिस्कशन का मेरे हिसाब से तो कोई फायदा है नहीं, हम इसको बोलेंगे ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है ना, इस डिस्कशन की ये तो लॉन्ग लास्ट डिसीजन है, कितना भी आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, मैं और बैठ गए गाड़ी ली 14 लाख रुपये की,
हाँ जी, और फिर भी टेम्पो में धक्के खा रहे हैं। टेम्पो में धक्के खा रहे हैं इसलिए आपने तोलिया टांग रखा है। फिर भी इंजन नहीं लग रहा, कोई काम नहीं, कोई काम गाड़ी में हुआ नहीं। आप देख सकते हैं आज बुधवार का दिन है, हो जाए तो कुछ हेल्प हो जाए या कहीं पे कुछ देखेंगे जो भी होगा। सोच रहे गाड़ी ना लेकर नई गाड़ी ले लें ना लेकर। चलो जी देखते हैं, देखो सोकर भी कैसे खुल गए गाड़ी के बिना इंजन के। देखो ये बैठे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई आ रहा है जा रहा है। आई डोंट थिंक कि इससे पूर कंडीशन कुछ हो सकती है, बाकी जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे वीडियोज़ में। मैं तो यही कहूँगा कि मारुति की गाड़ियाँ ना बाय करें। थैंक यू।